जल्दी करो, जिनको निकलना है हम लोग। बाबा, पहला जो शूद्र बनता है तो इसमें अव्वल नंबर की बात आई ना, इसमें मुझे भी बात आई। पहला में शूद्र कहा जाता है विकारी को, और शूद्र भारतवासियों में होती है या विदेशियों में होते हैं? भारतवासियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की गणना की जाती है। जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो शूद्र की स्टेज से भी नीचे गिर गए या ऊंचे हैं? नीचे गिर गए, व्यभिचारी बन गए, महाव्यभिचारी बन गए। बाबा, कोई माता पिता ज्ञान में चलता है, उनका बच्ची ज्ञान में नहीं चलता है, हाँ जी, तो लौकिक पढ़ाई पढ़ता है, हाँ जी, डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ता है, तो उसका माता पिता कोशिश नहीं करता है जो ज्ञान में आने के कोशिश नहीं करता है, लेकिन कहलाते हैं कि इसको शादी कर देंगे, शादी कराएंगे, तो शादी जब हो गया तो इसका अंजाम क्या होगा? माता पिता का अंजाम क्या होगा? पिता की कोई गलती नहीं ना, कोई साझा खाने पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? माता पिता ने अगर कोशिश की बच्चे को ज्ञान में चलाने की और कोशिश ही नहीं की, पुरुषार्थ भी घर के वातावरण को लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाने का किया, तो माँ बाप की कोई गलती नहीं। अगर घर का वातावरण अपने कर्मों से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, व्यवहार से गंदा बनाया और बच्चों के ऊपर इसका असर पड़ता रहा, तो कंट्रास्ट बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठता। ये ज्ञान तो ऐसा सुनाते हैं और प्रैक्टिकल में कर्म ऐसे करते हैं, तो माँ बाप के ऊपर कुछ न कुछ लेप छेप जरूर चढ़ेगा। और इनका मिल गया मजबूत है, भारी मिल गया एकदम मजबूत है, मिले भूत और तुम्हारी मिले बुद्धि, इनका कौन है और दूसरी के लिए तुम्हारे कौन है? इनका मिल गया भूत और तुम्हारे मिल गया ज्योति, एक मुरली में खिला। मुझे बात समझा माता क्या कह रही है? इनका मिला भूत भूत वजह और ये मुरली में पिछले बार बोला है ना, इसको भूत मिला किसको बुद्धि मिला है? लांग बूट क्या बूट जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है कि साधारण जूती ज्यादा पावरफुल होती है? बूट की ठोकर लगाऊंगा। तुम बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ करते हो, अंत में ऐसा पार्ट बजाते हो, कैसा पार्ट? निर्वा मौत मनुपाटिका, जो जानवर बुद्धि में उनको बूट की ठोकर लगाते हो, परवाह नहीं करते। और जो कमजोर दिल होता है
वो विनाश को देख करके हाँ हो जाएगा या मजबूत होकर के डटा रहेगा, हाँ हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ? हाथ फेल हो गया। लंग रूट कहेंगे या साधारण जूती कहेंगे? ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है। मुरली में क्या बोला? पुरानी जूती है। भारत में पुरुष एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी तीसरी चौथी भी कर लेते। ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है। इसका मतलब लॉन्ग बूट नहीं है। हाँ प्रदर्शनी के लिए बोला है कि प्रदर्शनी में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है और समझने समझाने वाली कन्याएं माताएं थोड़ी होती है, इसलिए ये युक्ति बताई है कि करप्शन ज्यादा न फैले, इसलिए भाई भाइयों को समझाएं और कन्याएं माताएं कन्याएं माताओं को समझाएं। कन्याएं माताएं ज्ञान में निकलती तो हैं बहुत, परंतु ज्ञान को सुनाने वाली माताएं थोड़ी होती है। बताया ना, जो मैच्योर्ड है सफेद बाल होने लगे हैं वो भाइयों को बैठ ज्ञान सुनाएंगी तो उनके ऊपर कोई भी असर उतना नहीं होगा। और कम उम्र की माता है या कन्या है और भाई तो सब दुर्योधन दुशासन है, उनकी इंद्रियों में उनकी आंखों में खींचने की ज्यादा पावर है या कम पावर है? ज्यादा पावर है तो प्रभावित हो सकती है। इसलिए बताया कि कम उम्र की कन्याएं माताएं अगर किसी भाई को ज्ञान सुनावे तो कोई न कोई मैच्योर माता को अपने साथ ले लिया जाए तो सेफ्टी रहेगी। बाबा ज्ञान के बाद कोई कोई माता हाथ का कंकन फेंक देता है और हाथ का जो शंखों का कंकन रहता है ना, शंखों का कंकन पहनता है ना हाथ पर, तो कोई कोई माता फेंक देता है और फेंकता है और कोई कोई माता राख भी देते है, तो इसका कारण क्या है? राखे कि फेंकेंगे तो अपनी अपनी ज्ञान की धारणा है, कोई को पक्की धारणा हो जाती है और समझाने की शक्ति भी आ जाती है, इतनी नीचे बुद्धि बन जाती है, फेंक देगी, बिंदी लगाना भी छोड़ देगी। कमजोर है, समाज का मुकाबला नहीं कर सकते, लोकलाज का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके दिल में आता है ये भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये दुनिया हमको भस्म कर देगी। लेकिन बाप कहते हैं कि जो भस्म होने वाली दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोकलाज की परवाह नहीं करनी है और जो नई दुनिया सामने आने वाली है उसकी लोकलाज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मीरा क्या किया है? लोकलाज की परवाह की मीरा ने? नहीं की, तो फर्स्ट क्लास भक्ति मानी जाती है। जो फर्स्ट क्लास भक्ति रही होगी वो ज्ञान भी फर्स्ट क्लास उठा देगी। और
अपने कल्याण के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए अगर झूठ बोलना पड़ा तो उसे झूठ नहीं कहा जाता है, उसे युक्ति कहा जाता है। पाप कम बनता है और पुण्य ज्यादा बनता है, इसलिए बैलेंस में बचत हो जाती है, हम फायदे में रहते हैं। कभी कभी अपना काम आए, काम काम में लाभ भी करते हैं, अपना कमाए कमाई कमाए अपना संसार में लगा दे, कभी कभी खुद का अगर कमाई होगा तो अपना संसार में लगा दे, अपना कमाई हाँ संसार में लगा सकते हैं, सेंटर में अपनी कमाई को कन्या माता है गृहस्थी में लगावे, कमाई करती काई के लिए। बाबा ने तो मुरली में बोला कन्या माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है, और जब परिवार को भी नहीं देना है तो कमाई किस लिए करना है। शराब पीता है, सारा पैसा बर्बाद कर देता है, बच्चों की परवरिश के लिए कुछ नहीं रखता है, ठीक से क्या होता है, रात नहीं से परिवार चलाना है तो पैसा भी ज्यादा चाहिए है? बाबा तो कहते हैं सादा खाना सादा पहनना झोपड़ी में रहना, लेंटर में डालने की जरूरत नहीं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में होंगे, सुखधाम के मालिक होंगे या शांति धाम के भी मालिक होंगे, सुल्लू की नाथ तो नहीं हुए, और तुम ब्राह्मण बच्चे जब चाहो तो निराकारी स्टेज में जितना समय चाहो रह सकते हो, तो तुम परमधाम के भी मालिक हुए, जब चाहो सुख की स्टेज में रहो सुखधाम के भी मालिक हुए, और जब चाहो तो बाहर की दुनिया में सेवा के फील्ड में घुस जाओ तो वहां तो दुनियादारी का संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा, अवस्था कुछ न कुछ नीचे आएगी या नहीं आएगी, नीचे आएगी तो हम सुखधाम के भी मालिक होंगे। किसी को रन छोड़ क्यों कहा गया, गलत कहा गया यहाँ जो रण है युद्ध है वो कौन सा युद्ध है ब्राह्मणों का, माया का युद्ध है, काय का युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध है, और जिसको कृष्ण भगवान कहा गया है शास्त्रों में, वो भगवान का नाम रूपधारी कौन है। अरे भगवान कौन है, शिव बाबा, शिव बाबा को युद्ध करने की जरूरत है, है? तो आई रण छोड़
सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता है और स्थूल शरीर तो लेता है, ये गलत बात है कि स्थूल शरीर नहीं लेता है, लेकिन गर्भ से जन्म नहीं लेता है। शंकर छलांग मार के सवारी करता है। हाँ बैल, ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा की आत्मा अभी राम वाली आत्मा के ऊपर सवार होती है, सवारी किए हुए है, कंट्रोल किए हुए है, या राम वाली आत्मा ने कंट्रोल कर लिया? ब्रह्मा ने कंट्रोल किया, जब चाहे प्रवेश करता है, जब चाहे निकल जाता है। लेकिन ऐसी भी स्टेज आएगी जो मुरली में बताया है, केवल शंकर के ऊपर सवारी करता है और शंकर बैल के ऊपर सवार दिखाया जाता है। कैसे सवारी करते हैं? छलांग लगाकर सवारी करते होंगे। तो छलांग कौन सी है? पुरुषार्थ की हाई जंप लगाते हैं और सवार हो जाते हैं। बाबा किसी ने पूछा, जब जीव आ जाते हैं तो क्या वहाँ ब्रह्मांड खाली होता है? उसमें समझने वाले हैं, उनकी बुद्धि में समझ की बात है कि जब शिव बाबा इस धरती पर आ गया तो काम पूरा करके वापस जावेगा या पहले ही चला जावेगा? और मुरली में अंजाम भी क्या किया हुआ है? साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ खेलेंगे और साथ साथ जाएंगे, साथ निभाएंगे, साथ निभाएंगे, साथ और साथ साथ निभाना है। तो बार बार ये संकल्प क्यों आता है कि बाबा परम धाम में चला जाता है? खाली रहता है क्या? अरे चीज और जो 500 करोड़ आत्माएं आती है उनकी चीज खाली रहती है कि भरी रहती है? क्योंकि खाली बने रहे तो क्या मुसीबत? प्रधानमंत्री इंडिया को छोड़ करके अमेरिका में जाता है तो क्या कनेक्शन नहीं रहता है? जीत तो खाली रहती है, लेकिन कनेक्शन रहता है या नहीं रहता है? कनेक्शन रहता है। तेता सोमम की राज सुत्तो और तेता सोमम की राज, तेता और दापर का सोमम की राज, दापर और कोली का सोमम की राज, ये बोलिए कौन संगम का राज? तेता और दापर का संगम का राज, ये जो शूटिंग में जो होता है वो उस बारे में कुछ, और दापर और कोलिक का संगम का राज वो कुछ ये भी बोलेंगे तो सत्य तेता संगम संगम जो होता है समय का राज क्या क्या है? सतयुग त्रेता का संगम का राज, सतयुग त्रेता का संगम का राज, त्रेता के संगम का राज। हाँ जी, शूटिंग पीरियड में देखने को मिलता है। शूटिंग पीरियड में सतयुग के अंतिम जन्म में राम वाली आत्मा प्रजा वर्ग में चली जाती है और जो सतयुग के अंतिम जन्म में महाराजा होता है आत्मा, वो राजा ही करता है। शूटिंग कहाँ होती है? 76 से पहले शूटिंग होती है। जो 8वें नंबर का सतयुग का नारायण बनने वाला है आर्य समाधि, वो जो पुरुषार्थ करना चाहिए ब्राह्मण का वो नहीं करता, मौज मस्ती उड़ाता है हवाई जहाजों में, मान मर्तबा लेता है, उल्टे सीधे शास्त्र छपाता है और पैसे कमाता है।
उनकी राजाई चक्र खाते में चली जाती है और राम को राजाई मिल जाती है, क्योंकि ब्राह्मण का जो असली कार्य है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना और दूसरों को मनन चिंतन कराने के लिए सहयोग देना, समझना और दूसरों को समझाना, ये रामवाली आत्मा ने काम किया या सचिव का जो लास्ट नारायण है उसने काम किया? रामवाली आत्मा। तो वो साहूकार होता है ज्ञान रत्नों का, ये राज है जो वो त्रेता में जाकर के राजा बन जाता है। और आखिरी नारायण अपने बाप दादे की जो गद्दी है वो गवाह देता है, राम वाली आत्मा उस गद्दी के ऊपर काबिज हो जाती है। इतना बड़ा राज। और ये जो शूटिंग पीरियड में ये स्वतंत्रता में यदि थोड़ा बहुत कुछ विनाश नहीं होगा तो छत्रजुग में जैसा लक्ष्मीनारायण का डिनास्टी था वो तो जो आत्माएं सब वो शरीर में रहेगा उसको तो याद आएगा। तो हम लोग तो लक्ष्मीनारायण का राजस्व में थे, अभी राम सीता का राजस्व क्यों पड़ेगा? ऐसा तो होगा, याद कुछ भी नहीं रहता, विनाश तो कुछ होगा। जैसे यहाँ इस दुनिया में मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जिससे पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसे सतयुग त्रेता में भी पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। कुछ तो कार्य ऐसा होगा, क्या कार्य होगा? ये थोड़ा बहुत ऐसा ऊंचा नीचा विनाश कुछ भी होगा तो सब तो याद नहीं रहेगा। विनाश क्यों होगा? कुछ भी होगा सब तो याद नहीं रहेगा। विनाश तो तब होता है जब तराजू के पलड़े नीचे ऊपर हो जाते हैं, आठ कला और आठ कला में बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो द्वापर में बैलेंस बिगड़ेगा या त्रेता में बिगड़ेगा? द्वापर में तो वो तो ज्ञान नहीं रहेगा। महल अटारिया जो होगा, कोई फोर्ट होगा, कोई किला होगा, वहाँ हटा करके आराम वाली आत्मा वहाँ काबी मिल जाएगी, वही तो समझ रहे हो। ये तो यहाँ की शूटिंग की बात बताई कि वहाँ ऑटोमेटिक होता है, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, असली काम तो यहाँ संगम युग में होता है। अभी जैसा जो बर्फ में दबना पड़ेगा, बर्फ से जब निकलेगा तब पूर्वोत्तम का सब ये घटनाएं सब भूल जाएगा, ऐसा भी स्वतंत्र का सब घटनाएं भूलेगा, चेता में नया किनारे राम सीता का डिनास्टी शुरू होगा तो भूलेगा कैसे? स्वतंत्र का लक्ष्मीनारायण का डिनास्टी भूलेगा कैसे? क्यों नहीं भूलेगा, जब जन्म उनका गुजर गया तो ठीक है। और चेता दापन का वो तो अर्धविनाश होता है, बता दिया कि अर्धविनाश होता है और बैलेंस बिगड़ा तो आधा विनाश होगा। और द्वापर कलयुग का? द्वापर कलयुग में भी कोई विनाश नहीं होता, उत्तरोत्तर नीचे गिरना होता है। विदेशियों के हाथ में भारत की सत्ता आ जाती है कलयुग में, द्वापर में विदेशियों का राज्य भारत में काबिज नहीं हो पाता। भले अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है तो भी वो यहाँ काबिज नहीं हो पाते। एक ही सत्य, एक ही सत्य, एक ही सत्य, दोनों मिला के एक ही सत्य है। अरे सत्य जो है वो इस दुनिया की चीज है
यह सबका असत्य परमधाम की चीज है। इस दुनिया में सबका सत्य कहा जाता है, चैतन्य और जड़ कहा जाता है, दुख और सुख इस दुनिया में कहा जाता है। परमधाम में तो आत्माएं ऐसे पड़ी हुई है जैसे जड़ बस, सुख दुख का कोई अनुभव नहीं, सत्य सत्य का कोई अनुभव नहीं। तो वो सत्य सेवक इस दुनिया में आकर के सत्य साबित होता है, परम नाम में रहकर के सत्य नहीं कहा जा सकता। वहां तो सभी आत्माएं सत्य है, कोई असत्य है क्या? हाँ गंगा और उनकी अम्मा है, सन्यासी उनके बच्चे हैं। गंगा जब निकलती है तो सन्यासी उसको फॉलो करते हैं। गंगा जो है वो रुद्रमाला में मुख्य मणका है संन्यास धर्म का। जरूर संगम युग में शूटिंग पीरियड में गंगा ने बाप को पहले त्यागा होगा और सन्यासी जीवन धारण किया होगा, अंत में फिर बाप से मिलती है। मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, तब ये कुंभकर्ण सन्यासी जागेंगे। तब तक गंगा भी सोई पड़ी है तो सन्यासी भी सोए पड़े हैं। जगदम्बा सर के ऊपर है तो रुद्रमाला का मणका बताए ना बाबा। रुद्रमाला का मणका है तो गंगा रुद्रमाला का मणका नहीं है, जमुना रुद्रमाला का मणका नहीं है, सरस्वती रुद्रमाला का मणका नहीं है। तो बाबा लक्ष्मी बाद में बनती है, लक्ष्मी विजय माला की है जो रुद्रमाला है, जो अंत में निकले और तुम्हारी विजय हो जाएगी उससे निकल ले। गंगा निकलेगी तो विजय माला फॉलो करेंगे? नहीं, कौन फॉलो करेगा? गंगा निकलेगी तो सन्यासी निकलेंगे। तो सन्यासी कौन जो अभी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, बीके वालों का साथ दे रहे हैं। एडवांस में जो है ना, एडवांस में भी गंगा जो है वो विधर्मियों का साथ दे रही है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन और उनके धर्म पिताएं निवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के क्या है? निवृत्ति मार्ग के सन्यासी हैं, वो निकलेंगे भले एडवांस में हो, वो सब अभी विरोधी हैं। जब वो निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। अभिमन्यु का नाम जो है वो क्या साबित करता है? अभिमान को साबित करता है। उसके अंदर कौन सा अभिमान है? अभिमान ये है कि मेरा बाप अर्जुन जैसा पुरुषार्थी है जिसका रथ भगवान ने लिया, मेरा गुरु स्वयं भगवान है, मैं और किसी गुरु का चेला नहीं हूँ। है? अब एक एक पार्ट तुमको बोर्ड पर और कागज पर लिखकर बताया जाएगा क्या? बाबा ने तो कहा मैं बोर्ड पर
या कागज पर लिखकर एक एक का पार्ट नहीं बताऊंगा। हरेक आत्मा अपनी चलन से, व्यवहार से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, कर्मणा से अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। राम वाली आत्मा होगी तो वो स्वयं अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी, दूसरा कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता। गीता वाली आत्मा होगी तो स्वयं अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। लक्ष्मी वाली आत्मा होगी तो स्वयं अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। जगदम्बा वाली आत्मा होगी तो स्वयं अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी। सबको मानना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकल पार्ट इस अमुक पार्टधारी का ही हो सकता है, दूसरे का नहीं। हाँ। मर जाते हैं कोयला मुंह में आग डालते दूसरा चीज़ ज्यादा नहीं जाती है, उससे कहना तो मर जाता है तो कोयला मुंह में आग में डाल जाता है। डालने का क्या मतलब? आग डालने का मतलब है कि अग्नि जो है वो सब पापों को भस्म कर देती है। जब सारे ही पाप भस्म हो जाएंगे तो अगला जन्म इस दुनिया में नहीं मिलेगा, रह जाएंगे तो जन्म भी मिलेगा। कोई कोई के तो इतने पाप रह जाएंगे कि बार बार कलयुग की दुनिया में ही आके जन्म लेंगे। जितने भी जंगली जानवर होते हैं उन जंगली जानवरों में नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? शेर और टाइगर अव्वल नंबर माना जाता है, कंट्रोल करने वाला, सारे जंगल को कंट्रोल करता है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी शेर जैसा पार्ट बजाने वाली और टाइगर जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हैं या नहीं है? है। उनके ऊपर महाकाली सवार नहीं कर सकती। जो प्यार जैसा पार्ट बजाने वाले हैं, शेर या टाइगर जो शिकार करता है और शिकार करने के बाद जो मांस खा जाता है उसके बाद जो बचा बचाया है वो प्यार आकर के खाता है। ऐसे प्यार इस ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर है, जिन प्यारों की महाकाली सवारी करती है। मतलब डेली पाँच सौ स्टूडेंट नहीं जाते हैं तो गीता पढ़ने का सही है? रेगुलर क्लास में चार क्लास भी आते हैं,
एडवांस की ओर से सभी मिनी मदनों में एक सर्कुलर जारी किया गया है गीता पाठशाला के बारे में डिटेल बताने के लिए। वो सर्कुलर यहाँ क्लास में सुनाया गया संगठन में या नहीं सुनाया गया ये पता नहीं, लेकिन उसमें ये क्लियर कर दिया है कि गीता पाठशाला तभी मानी जाएगी जब जो दो युगल हैं पति पत्नी चलाने वाले और बाहर से दो तीन आत्माएं हो वो क्लास में डेली आती हो, एक दो दिन गैर हाजिर हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तो सभी स्कूलों में चलता ही रहता है, कोई बीमार होता है कोई कहाँ जाता है। मोस्टली कम से कम गीता पाठशाला में 5 पांडव जरूर चाहिए है? क्योंकि सेवा नहीं कर पाते, अपने खाने पीने के धंधे में बहुत लगे रहते हैं, खिचड़ी खाने से पेट नहीं भरता, सेवा में टाइम ज्यादा लगाएंगे तो इतनी बड़ी दुनिया में से निकलेंगे नहीं। हाँ अल्लाह हो अब्बा का नारा रहता है तो अल्लाह तो समझ गया ऊंचा से ऊंचा अब्बा का अर्थ क्या है? आप तो कहते हैं अकौआ अब्बा का पौधा होता है ना, जितने भी फूल है उन फूलों में सबसे छोटा फूल होता है और दुर्गंध मारता है, क्या दिव्य गुणों की सुगंध नहीं देता है, क्या देता है दुर्गंध देता है। तो ऐसे दुर्गंध छोड़ने वालों को अल्लाह के साथ जोड़ देते हैं, जो फूल जितनी ज्यादा दुर्गंध छोड़े ग्लानी की दुर्गंध भगवान की डायरेक्ट ग्लानी करने वाले ऐसे फूलों को वो भगवान के समकक्ष मानते हैं। जैसे भारतीय परंपरा में शिव के समान शंकर को माना जाता है, ऐसे ही मुसलमानों में अल्लाह के साथ अकबर को माना जाता है। अक माने अक का फूल और वर माने श्रेष्ठ, क्या अक के फूलों में जो दुर्गंध गिलग्लानी की छोड़ने वाले फूल हैं उनमें जो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं उनको कहा गया अकबर मुसलमान धर्म किए और मुसलमान तो आदम को बहुत मानते हैं है? मुसलमान लोग तो आदम को बहुत मानते हैं, अभी मानते हैं कि जब आवाज निकल जाएगी तब मानेंगे, अभी भी बोलते हैं जब आवाज निकलेगी तो पहले पहले ये इस्लामी मरेंगे। ये मुरली में बोला है बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम, जब परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता होगी तो झाड़ के चित्र में जो बाई ओर की सबसे मोटी डाली है उस पर बैठा हुआ जो धर्म पिता इब्राहिम है वो भारत की तरफ मुखातिब होकर रहेगा, विपरीत बुद्धि नहीं हो सकता, पहले मरेंगे इस्लामी, मुसलमान नहीं मरेंगे, क्रिश्चियन नहीं मरेंगे, कौन मरेंगे इस्लामी मरेंगे। तुमको बढ़िया मिलिट्री मिल जाएगी है।
कितना धन है फिर भी भारत के पास में क्यों इतना कम है? कुबेर है अभी सत्तर लाख अस्सी हजार करोड़ रुपया डाल दिया है स्विस बैंक में हिंदुस्तान से। पहले अंग्रेज ले जाता था इंग्लैंड गाँव में, अब उसके बाद अंग्रेज आजादी छोड़ा गिराने वाले लोग ले जा करके जमा कर दिए स्विस बैंक में, कंगाल हो गया। तो आज ही तो बताया दूसरे धर्म की आत्माएं धन ले जाती है भारत से, भारत कंगाल हो जाता है। नई बात क्या हो गई? वो धन आएगा फिर? जब सारी दुनिया में विनाश होगा तो धन जाएगा कहाँ? भगवान भारत में आया हुआ है और हर धर्म के लोग गॉड फादर को मानते हैं, तो धन कहाँ डालेंगे? जब पहले मंदिर स्टार्ट हुआ ना तो सोमनाथ मंदिर स्टार्ट हुआ, सोमनाथ मंदिर हुआ तो वहाँ पे एक कन्ना को दिखाई दिया, तो इसका मतलब तो क्या है? बना युगल को नहीं दिखाया है, पूजा करते हुए दिखाया गया है सोमनाथ मंदिर में। वो पुजारी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं आवाहन करना माने आओ आओ, जैसे गुलजार दादी में बाप दादा का आवाहन करते हैं आओ आओ, डेट आ गई टाइम आ गया, आपने टाइम दिया था ना दादी को, इस टाइम पर इस डेट पर आवेंगे, डेट अनाउंस होती है ना, ऐसे ही यहाँ तुम बच्चों को विजयमाला का आवाहन करना है आओ, हम लंगड़े हैं। गीता माता है, माता का रचयिता कौन होता है? अरे माता का रचयिता कौन? किसी बात नहीं छोड़ जाती है, सौ मन के अपने में संपन्न नहीं है, सौ के साथ आठ भी चाहिए, ऐसे ही पचास के साथ एक चाहिए, हजार के साथ 101 चाहिए। वो सब प्रजा बन जाती है, पचास या सौ या हजार, उस प्रजा को चलाने वाला कोई राजा भी या राज परिवार भी चाहिए। हाँ जी, रामनवमी में हाँ तो क्या हुआ है? राम का जन्म नहीं मनाते रामनवमी में, राम को तो जन्म, लेकिन प्रत्यक्ष कौन करता है? राम को प्रत्यक्ष करने वाला कौन? हनुमान। तो पूजा होती तो क्या खराब लगता है? जो करेगा तो पाएगा। हाँ छोटा
15 साल की है, अच्छी हो चुकी है, वो क्या साइकिल सकती है? क्यों नहीं कर सकते? सौ 200 किलोमीटर दूर सेवा करने के लिए कोई जाते हैं? कहाँ जाते हैं? दूर किसके यहाँ जाते हैं? हाँ? जगह का नाम नहीं बताओ, साधारण पब्लिक के यहाँ जाते हैं? बी के वालों के पास जाते हैं? अगर बी के वालों है 100, 200 या 400 किलोमीटर या ऑल इंडिया में कहीं भी है, लेकिन हमारे लौकिक संबंधी भी रहे हैं और अलौकिक में बेसिक में भी हमारे परिवार के रहे हैं, तो उनकी सेवा करने में, उनको संदेश देने में कोई बुराई है क्या? नहीं जी, अच्छा ही। हाँ, जब पहले जो उनका संबंध संपर्क बना हुआ है लौकिक जीवन का, तो नहीं जा सकते? मुख्य बात तो संदेश की ही होती है, जो जानकार होते हैं वो संदेश को ही लेकर के फिर आगे अपने आप बढ़ जाते हैं। और कोर्स के लिए बार बार कोर्स जाने के लिए कोर्स कराइए, कोई अपना संबंधी है लोग कोर्स के लिए कोर्स जाने तो करा सकते हैं। जो संदेश ले लेगा, ग्रहण कर लेगा कि भगवान बाप आया हुआ है, ये दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है, विनाश होने वाली है, और भगवान नई दुनिया की, नई दुनिया का संगठन बनाए रहा है, तो बात पर जिसको निश्चय हो जाएगा वो अपने आप दौड़ेगा। उसको एड्रेस देने की जरूरत है, उसको लिटरेचर देने की जरूरत है, उसको ईमेल एड्रेस दो, अथवा तो जो इंटरनेट में आ रही है मुरलियन उसका एड्रेस दे दो, घर बैठे बैठे पोस्ट लेता रहे। एक सीता जो उनमें रहती है और एक सीता पंखों के हाथ में चल रही है, दो सीता पंखों के हाथ में चल रही थी, उसका कौन क्या है? एक सीता योगाग्नि में जो रहती है वो अंदर ही अंदर भगवान के साकार स्वरूप को, निराकार स्वरूप को कंबाइंड रूप में याद करती रहती है, और जो सीता श्रीमत की लीका को तोड़ देती है भगवान के साकार स्वरूप को पहचानती तो है, निराकार को भी पहचानती है, परंतु माया की टक्कर जब लगती है तो श्रीमत की लीका को तोड़ देती है। वो द्वयम नंबर की सीता है, उसको रावण ले जाता है। है बाबा, विष्णु का चार भुजा दिखाते हैं, दो राइटियस और दो लेफ्टियस, तो राइटियस जो है वो ब्रह्म और सरस्वती को ही मानेंगे ना? राइटियस भुजाएं जो है उनको कहा जाता है जो राइट काली करके दिखाते हैं,
लेस टकाकारी नहीं करते। जैसे जो हाथ होता है या पांव होता है या जो भी जैसे धर्म है वो स्थापना के निमित्त बनते हैं या विनाश के निमित्त बनते हैं। तो ऐसे ही किसी जो राइटियस हो जाए ब्रह्मा सरस्वती वो राइटियस अर्थात स्थापना के कार्य में विशेष निमित्त बनने वाली आत्मा है, उनको राइटियस दिखाया गया। लक्ष्मी क्या राइटियस है? लक्ष्मी जो है उसके हाथ में शंख दिखाया गया है, वो शंखनाद करती है। ये शंख है मुख, मुख से जब एडवांस ज्ञान सुनाती है तो शंख बजता है तो युद्ध की घोषणा हो जाती है, और जब युद्ध की घोषणा हो जाती है तो विनाश होता है या नहीं होता है? विनाश होगा। इसलिए लक्ष्मी भी लेफ्टिस्ट में दिखाई गई। तो भगवान जो महाकाल का पाठ आदि का पाठ उसमें लक्ष्मी आदि जगदम्बा जमुना और ब्रह्मा भी हो सकता है ना? ब्रह्मा तो जो अति जगदम्बा के पास भजती है तो सब मिलकर तो महाकाली का पाठ महाकाली में और महागौरी में अंतर नहीं है। ये कहेंगे कि जो महाकाली है वही महागौरी है, ये नहीं हो सकता। जो महागौरी है वो जन्म जन्मांतर की गौरी है, विचारिणी नहीं है, और जो महाकाली है वो जन्म जन्मांतर वैसा पाठ बजाने वाली है। और धर्म के चक्करी में आने वाली है, क्योंकि हर धर्म की आत्माएं उसके बच्चे बनकर के उसकी गोद में पलते हैं, उन बच्चों के संग का रंग माता को लगता है और माता बच्चों से ज्यादा प्रभावित होती है। जगदम्बा है सिर्फ भारत की अम्बा नहीं है, क्या नाम है? जगदम्बा, सर्व धर्मों की अम्बा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी गोद में हर धर्म ने राज्य किया है, बाकी कोई दुनिया का ऐसा शहर नहीं जहाँ हर धर्म ने गोद में राज्य किया हो। हाँ जी बाबा, मतलब उल्लू होता है उसको बाबा ने बताया है चमगादड़ के रूप में, उसका सर नीचे होता है और टांगे ऊपर को होती है, माने बुद्धि होती है जमीन की तरफ, दुनियादारी की बुद्धि में बातें चलती है, बुद्धि में ऊपर जाने की बात नहीं उठती, याद में बुद्धि नहीं लगती, जो उपराम हो जाए ऐसी जो आत्माएं हैं धनवान, चाहे दुनियावी धनवान हो और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के धनवान हो, रावण जैसे। रावण ज्ञान धन का धनवान था या नहीं था? लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई थी? बुद्धि तो नीचे लगी हुई थी, नीच कर्मों में लगी हुई थी, या बुद्धि ऊपर लटकी हुई थी? नीचे लटकी हुई थी। तो ऐसे उल्लुओं की लक्ष्मी सवारी करती है, वो उल्लू है जो भगवान बाप में बुद्धि नहीं लगाते, क्या दुनियादारी की बातों में बुद्धि लगाते है? है? है?
महत्व क्या है? महत्वदेव का क्या महत्व है जो बारह में हुआ है? जैसे स्थापना जरूरी है, लेकिन स्थापना तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी जब तक विनाश नहीं होगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं दुनिया में। अगर 500-700 करोड़ जीवित रहेंगे और अव्वल नंबर की जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो गुप्त में अपना स्वराज्य स्थापन कर लेंगे, लेकिन वो स्वराज्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कब तक? जब तक सारी दुनिया का विनाश न हो। सारी दुनिया का विनाश होगा तो जो विधर्मी आत्माएं हैं उनका सफाया हो जाएगा और उनके वाइब्रेशन का भी सफाया हो जाएगा। शुद्ध वाइब्रेशन वाले रह जाएंगे, उससे पांच तत्व भी दुनिया के चेंज होंगे, नहीं तो दुनिया के पांच तत्व भी चेंज होने वाले नहीं है। इसलिए जितना स्थापना का महत्व है उतना विनाश का भी महत्व है, और विनाश पावरफुल आत्माएं करती है या कमजोर आत्माएं करती है? शंकर को कहते हैं विनाशकारी और ब्रह्मा को कहते हैं स्थापनाकारी। पावरफुल कौन है? तो जो नष्ट देव है उनका महत्व नहीं है क्या? है महत्व है। अभी सारी दुनिया काजल की कोठरी है या नहीं है? है? तो ये काजल की कोठरी में आग लगनी चाहिए, नष्ट होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो सच्चाई का संग का रंग स्थाई नहीं रह पाएगा। बाबा शंकर विनाशकारी है तो उसमें राम वाली आत्मा नष्ट का पाठ तो है नहीं? शंकर जो है वो एक आत्मा नहीं है। शंकर के व्यक्तित्व में इतनी आत्माओं का संकरण है, तीन आत्माओं का संकरण। इसलिए शंकर विनाशकारी गाया हुआ है, सिर्फ है नहीं विनाशकारी। असल संघारणी शक्तियां गाई हुई है, कोई देवता नहीं है असल संघारकारी। बाबा एक जोगा माता के अंदर ये शुरू शुरू हुआ है शुरू शुरू तो वो शुरू में जोगा माता कौन होती है? 96 में शुरू शुरू होता है ना उसे जोगा माता के अंदर, तो जोगा माता किसको पता है? ज्ञान यज्ञ में वो माता कौन है? जिसके बुजुर्ग की पेट में हरकत होती है और हरकत का फाउंडेशन पड़ता है संगम युग में और प्रैक्टिकल होता है सतयुग में। सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा उससे साकार में, और यहाँ संगम भी कृष्ण बच्चा उसकी प्रत्यक्षता होती है उसके द्वारा। जो प्रैक्टिकल ज्ञान धारण करेगा
वही धरणी माता बच्चे की प्रत्यक्षता और बाप की प्रत्यक्षता में विशेष सहयोगी बनेगी या कोई दूसरा बन सकता है? वही बनेगी। अब कौन सी अंति बहन है वो तो तुम जान। बाबा अष्टदेव सजाने खाते हैं, अष्टदेव सजाने खाते हैं, फिर मुरली महाराज के 800 क्यों? अष्टदेव है उनमें जो पहला नंबर है वो भगवान का टाइटल बन जाता है या देवता ही रहता है, इसलिए श्राद्ध देवता है तो वो भी देवता महादेव कहा जाता है। अष्टदेवों की जो पूजा होते हैं दक्षिण भारत में उसमें ईशान कोण में शंकर को दिखाते हैं ईश्वर के रूप में, ये वो ईश्वर है और वो देवता है। अब हरी हरी चक्कर काटने ब्रह्मा हुआ की बुद्धि ज्यादा चक्कर काटे, इतने बुद्धि चकराई जाती है। तो कृष्ण बच्चा है, ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं, बेबी बुद्धि में जब गहराई की बातें सुनाई जाती है तो जल्दी बुद्धि में नहीं बैठती, बुद्धि चक्कर खाती है। तो चक्कर काट रहा है कभी एडवांस में और कभी एक बार चक्कर लगाती हूँ राम हो जाती। बोला ना तीन ही तो है ब्रह्मा विष्णु मैंने। 24 घंटे का मतलब दिन और रात। दिन है जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाए और रात है संगम युग में वो जब ज्ञान सूर्य पूरा प्रत्यक्ष न होने पाए। तो अभी रात चल रही है या दिन चल रहा है? रात चल रही है। दिन हो चाहे रात हो, राम वाली आत्मा एक चक्कर काटती है, बार बार चक्कर नहीं काटती। माने जन्म मरण के चक्र में कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा आती है निश्चय निश्चय के चक्र में, राम वाली आत्मा निश्चय निश्चय के चक्र में बार बार नहीं आती।